क्या पानी पीने लायक है? अभी मैंने यहाँ पे आके इनसे बोला एक गिलास दे दो जो मैं इसमें पानी डाल दूँ, तो इन्होंने बोला साहब दूसरा दे दें खराब हो जाएगा क्या? जब ये तो अपना गिलास की सोच रहे हैं, पब्लिक के वहाँ की नहीं सोच रहे कि उनके साथ क्या हालत होगी, क्योंकि यार पानी पियेंगे तो क्या होगा। चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहना ये हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शिवदेलागू पानी की समस्या हो रखी थी, हमने आगे भी कंप्लेन की थी, वाटर वर्क्स वाले अधिकारी जी आए थे, उन्होंने बोला था, तो बोले कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, पूरे अजमेर में प्रॉब्लम है, आप मुख्यमंत्री जहाँ तक भी हो आप जा सकते हो। तो क्या पूरे अजमेर में इस तरह का पानी आ रहा है क्या? अजमेर में यही प्रॉब्लम है, सबके कम आ रहा है, आप सकते हैं कम आने से नहीं है, वैसा कचरा पूरे अजमेर में थोड़ी आ रहा है, मोहल्ले में प्रॉब्लम, पूरे मोहल्ले वालों ने कंप्लेन की। तो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री के चले जाओ, यही प्रॉब्लम आपका अकेले की नहीं है, पूरे लोगों की आ रही है, आगे जितने लोग हैं उनके पीने का पानी नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पानी है नहीं तो हम कहाँ से देंगे आप लोगों को, जितना टंकी में पानी है हम आपको दे देते हैं। तो गंदा देंगे तो बोले वो तो हम तो क्या कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप आगे जा सकते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ साहब, इसमें ना अधिकतर प्रॉब्लम आती है इस कॉलोनी में गणेश गुआड़ी में, और ये इसमें ये G62 का जो एरिया है इसमें तो हमेशा आती है, कभी भी पानी वालों को बोलते हैं ना तो वो यही बोलते हैं, सांसद को बोल दो, MP को बोल दो, कुछ उखाड़ लेगा, कि अधिकारी खुद बोलते हैं हमें ये चीज़ें, और उसके बावजूद भी ये चीज़ें हैं, फिर क्या करें हम, कहाँ जाएँ? अधिकारियों को अगर नहीं बोलेंगे तो MLA MP के पास जाके थोड़ा ना बोलेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को फोन किया है तो फोन उठाया उन्होंने, बिल्कुल मैंने खुद ने कंप्लेन करवा रखी है, वहाँ मुख्यमंत्री है उसमें, तो उसका समाधान नहीं हुआ, नहीं हुआ उसका कोई रिप्लाई नहीं है, और उससे आपके ENFIN का भी नंबर मेरे पास में है, मैंने उसको भी फोन किया एक से दूसरी बार, वो ब्लैक लिस्ट में डाल रखा मेरा नंबर। पिछले लगभग 10 से 12 दिन से पानी की सप्लाई जो गणेशवाड़ी की हो रही है उसमें पानी किस तरह की सप्लाई हो रही है, आज के 3-4 दिन पूर्व में मैंने यहाँ के लाइनमैन से अफसरों से फोन करा था, किसी भी JN ने अफसर ने फ़ोन नहीं उठाया, और लाइनमैन ने फ़ोन उठाया था, तो मैंने उसे कहा भाई ये समस्या है, तो उसने बोला नेक्स्ट सप्लाई से पहले कोई भी हालत में हम इसे सही करवा देंगे। वहाँ के हमारे JN है संजय रावत, उनसे भी मैंने उस रोज़ भी फ़ोन किया, आज भी फ़ोन कर रहा हूँ, और सुबह भी मैंने फ़ोन किया, किसी तरह का फ़ोन वो उठाते नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया इस ऑफिस के अंदर, तब मैं इस ऑफिस के अंदर आया तब मैंने इनसे पूछा कि साहब AN साहब कहाँ हैं, तो वो पता चला कि वो छुट्टी पे हैं, लगभग 12:15 बज रही है, पहले तो इन्होंने ये भी बताने की स्थिति में नहीं रहे कि छुट्टी पे हैं कि नहीं है, इन्होंने बोला साहब मीटिंग पे होंगे, जब हमने और इन्होंने दोनों स्टाफ ने मैंने दोनों ने फ़ोन लगाया तो उन्होंने भी नहीं उठाया, उसके बाद मैंने कभी फ़ोन तो लगाएं बात तो करें, तब पता चला साहब उनको बुखार है जो छुट्टी पे। मैं एक तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या रजिस्टर ऑफिस रजिस्ट्री का मतलब कोई भी तरह का कोई है कि नहीं है, तरीका कैसे करते हैं क्या करते हैं? तो मैंने जब AN साहब का भी फ़ोन आया पूछा तो उन्होंने बोला साहब मैं नीचे वाले स्टाफ को थोड़ी बताऊँगा, अच्छी बात है मत बताइए, पर आप अपने ऑफिसर को बताएंगे। अब 12:30 बजे पता चल रहा है कि वो साहब तो छुट्टी पे हैं, पहले इनको यही मालूम नहीं कहाँ पे हैं, और रहे जो हमारे JN साहब हैं रावत साहब, वो तो आज तक इस फ़ोन को उठाते ही नहीं हैं, हम कितनी बार कह दिए जब हम जैसे जनप्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो जनरल पब्लिक को तो उन्होंने क्या कहा, मैं अभी जो आपके न्यूज के माध्यम से पब्लिक देखेगी कि वो JN जनरल आदमी को क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि आप चाहे जिसे कहते हो मुख्यमंत्री को कहते हो हम डरने वाले नहीं, होगा जो ही सप्लाई करेंगे। तो क्या ये इस तरह का पानी पीने लायक है? अभी मैंने यहाँ पे आके इनसे बोला एक गिलास दे दो जो हम इसमें पानी डाल दूँ, तो इन्होंने बोला साहब दूसरा दे दें खराब हो जाएगा क्या? जब ये तो अपना गिलास की सोच रहे हैं, पब्लिक के वहाँ की नहीं सोच रहे कि उनके साथ क्या हालत होगी, क्योंकि यार पानी पियेंगे तो क्या होगा। वहाँ का जो हमारे क्षेत्रवासी है वो पानी खरीद के ला रहा है, कैंपर ला के पिछले 10 से 12 दिन से उस पानी को पी रहा है, क्योंकि ये पानी पीने लायक तो छोड़ो नहाने लायक भी नहीं है। आपका नाम? प्रकाश मेरा, पूर्व पार्षद।